आज हम देखते हैं क्लास टेंथ का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। राइट बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम कितना दे रखा है, 24। तो इसे लिख लेते हैं, यानी ए फोर्थ प्लस ए एट्थ इज इक्वल टू 24। तो ए फोर्थ को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3d, प्लस एट्थ को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24। राइट बच्चों, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, यानी 2a प्लस 3d प्लस 7d क्या हो जाएगा, यानी 10d इज इक्वल टू 24। तो देखिए यहाँ से दोनों में, यानी 2a प्लस 10d में दो कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, और ये मल्टीप्लाई में था तो बाई में आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 12। तो यहाँ से a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। राइट बच्चों, आगे देखिए, नेक्स्ट आगे लिखा है सिक्स टर्म्थ और टेंथ टर्म। तो सिक्स टर्म को ए सिक्स प्लस ए टेंथ इज इक्वल टू 44। तो ए सिक्स को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5d प्लस ए टेंथ को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d इज इक्वल टू 44। राइट, और ए प्लस ए करेंगे क्या आ जाएगा, 2a प्लस 5d और 9d को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 14d इज इक्वल टू 44। देन 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी 2a प्लस 14d में, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, और ये 2 मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 22। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू क्या आ गया, 22। इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड। राइट बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, यानी सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी फ्रॉम लिखा है तो सेकेंड में से फर्स्ट को करना, तो सेकेंड क्या आया था, ए प्लस 7d इज इक्वल टू 22, और फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12। देन साइन लगा रहे थे, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 7d में से 5d जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए माइनस है तो 2d इज इक्वल टू 12 में से 22 में से 12 जाएगा, क्या आ जाएगा, 10। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी 10/2। तो d की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। अब इसे हमें a की वैल्यू फाइंड कर लेते, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते, तो देखिए a प्लस 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 12 दे रखा है। तो a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 25 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 12, और ये पॉजिटिव है, साइन के चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव माइनस 25। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 तो 13, और माइनस का आ जाएगा। राइट बच्चों, आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या आ गया, माइनस के 13 आ गया। अब यहाँ से ए डी निकाल लेते, यानी 3 निकालना है, तो ए क्या है, देखिए ए की वैल्यू क्या आ गया था बच्चों, माइनस का 13। तो पहला ए पी माइनस का 13, दूसरा क्या आ जाएगा, ए प्लस डी होता है। राइट बच्चों, यानी ए प्लस डी, तो ए तो क्या है, यानी माइनस की 13 है, और प्लस 5, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, तो सेकेंड टर्म क्या आएगा, माइनस का 8। और अगर सेकेंड निकालेंगे तो ए प्लस 2d, तो a क्या आ गया था, देखिए आप a जो आया था माइनस का 13, और प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है, 5, तो माइनस 13, प्लस इसे करेंगे क्या आ जाएगा, 10। तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3। तो हमसे ये 3 ap पूछा था, तो माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। राइट बच्चों, इसका आंसर यही होगा।